इंसानी जिंदगी के अहम शोबे क्या होते हैं? एक खाना और पीना। इंसानी जिंदगी के शोबों को अगर आप गिन ले, क्या क्या इंसान करता है? एक खाना पीना और रहना, ये एक अहम शोबा है। और उसके बाद जिंस की तस्कीन, सेक्स, यही उसकी जिंदगी के शोबे। याद रखिए कि इंसान खाने को अच्छा रहे, रहने को उसको अच्छा रहे और उसका निकाह हो जाए, यही चीजें होती है इंसान। और इसी के लिए सब कुछ करता है, घर बनाने के लिए सब कुछ होता है, पेट पालने के लिए सब कुछ होता है। और इंसान एक सुकून की जिंदगी गुजारे, जिसको मोहब्बत, उल्फत, उनसियत और जो कुछ अल्फाज बहरहाल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसके लिए होता है। और क्या है दुनिया में तीसरी चीज, समझ रहे हैं? तो क्या इस शोबे को शरीयत ने छोड़ दिया होगा और ये कहूंगा भाई जो चाहे मन चाहे करो? और इसके लाइलमी के ऐसे भयानक नतीजे होते हैं। कुछ वाकयात मैं, चूंकि बहरहाल मैं भी जवानी के दौर से गुजरा हूँ और गुजर रहा हूँ, मुकम्मल तौर से बहरहाल नहीं, ये नहीं कह सकते बूढ़ा हो रहा हूँ, हालांकि एक दो बाल है अभी दाढ़ी में आ गए और सर में कुछ आ चुके हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल मैं ये मानता हूँ कि 15 से 35 तक इंसान जो है जवानी रहता है। और हो सकता है शायद मेरी उम्र शायद मैं उसको बढ़ाते रहूँ उस जवानी के मरहले को, बहरहाल। लेकिन बहरहाल तो कुछ बातें ऐसी जहन में आती थी, कुछ बातें लोगों ने ऐसी की और कुछ हरकत लोगों ने अपने निकाह के बाद ऐसे कर ली, जो सवालात मुझ तक आए तो बड़ा अफसोस हुआ। काश कि इसको अगर ये चीज पता होती तो शायद आज इतनी बड़ी गलती से ये बच जाता। मतलब गैर मामूली हरकत, गैर मामूली चीजें जो लाइलमी की वजह से इस हद तक हो गई कि कुछ लोगों ने कुछ औजार अपने साथ रख ली जब उनका निकाह हुआ, इसलिए किसी ने बता दिया कि बहुत खतरनाक मामला रहता और उसके लिए औजार इस्तेमाल करना पड़ता। सुभान अल्लाह, अंदाजा लगाइए अगर वो कुछ कर गुजरते तो क्या कुछ नुकसान नहीं पहुंचा देते अपने फरीक जिन्स को, अपनी बीवी को, अपने अपोनेंट को, क्योंकि लाइलमी पता ही नहीं। और अगर कोई बयान करे तो कितनी बेशर्मी की बात है। अगर हम फिल्में देखे, टीवी देखे, उस पर जो कुछ देखे वो कोई बेशर्मी भी आई नहीं, लेकिन हाँ कोई बयान करे नहीं, कितनी बेशर्मी भी आई। अगर आप कपड़े लिबास गंदा पहने, ओछा पहने, गलीज पहने और अगर कोई कहे कितना गलीज, तो आपको कितनी गंदी नजर है आपकी। मतलब पहनने वाला अपने आप को खराब नहीं कर रहा है, बोलने वाला जो ताकीद कर रहा है कि भाई लिबास खराब है, तुम्हारी नजर गंदी है, क्यों देख रहे हो हमारी तरफ। तो दुनिया आज उल्टी हो चुकी है। अगर स्कूल कॉलेज में कोई सेक्स एजुकेशन के नाम पे पढ़ाए तो वो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अगर कोई सुन्नत मुतहरा से बताए तो यार ये बेशर्मी की बात है। तो इस चीजों को छोड़कर हमें शर्म और हया के तकाजे को सीखने और सिखाने की हद तक थोड़ा सा बाजू रखकर हमें इस बात को संजीदगी से लेकर सीखना होगा। और ये मसाइल इंतहाई जानना जरूरी है। मैंने पिछले हफ्तों में तहारत के मसाइल 4 जो है वीक में, एक पूरा महीना मैंने लिए थे, जिससे मुकम्मल तौर से मैंने तफसीलात ली। एक शोबा बहरहाल तहारत का फिर बाकी रह गया था, बहुत से लोगों ने डिमांड किया, बहुत से लोग इंटरनेट के जरिए चाहते थे कि उनवान मैं रखूं, इसलिए कि बहुत सारे उनवान मेरे फैमिली प्लानिंग, निकाह और इस पे आ चुके हैं, ताकि एक पूरा सेक्शन मुकम्मल हो जाए, सुन्नत निकाह, आदाब मुबाशरत, ठीक है, उसके बाद औलाद की तरबियत और औलाद के हो पूरी तरतीब में आ रहे हैं। और एक उनवान भरा इंशाल्लाह बाकी है जो मैं इंशाल्लाह रमजान में रखूंगा, वो है तलाक के मसाइल, ताकि ये पूरा निकाह का पूरा सेक्शन जो है एक के बाद दीगर पूरा मुकम्मल हो जाए। तो बहरहाल आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। तो इस बात को आप जहन में रखिए कि शर्म और हया बिल्कुल होना चाहिए कि इंसान के अंदर, आम एतबार से हम ये बातें डिस्कस ना करें, लेकिन जब सीखने और सिखाने का मरहला होता है तो ये बहरहाल जरूरतें होती है। और ये कोई नई बात नहीं है। आप अगर अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं तो मैं समझता हूँ 11वीं में आते रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल के एक पूरा चैप्टर उनको बायोलॉजी के अंदर होता है, वहां तो आप कुछ नहीं कहते, बच्चा आपके सामने तस्वीर लेकर बैठा है, पढ़ते बैठा बोलते तालीम हासिल कर रहा है, इल्म हासिल कर रहा है ना। तो जब वहां कर रहा है तो दीन और शरीयत भी तो आपको बहुत सारी बातों में तालीम करती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए भेजे गए सबसे बड़े मुअल्लिम थे, याद रखिए, ठीक है। तो उनसे सीखना हमें हर चीज, जिंदगी हर शोभा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान ने बयान किया कि हमने आपको लखत का नफी रसूलुल्लाह उस्वतुल हसना, कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम लोगों के लिए मुसलमानों बेहतरीन नमूना छोड़ा है। अब ये जमा की बात थी, दुबर में जमा मनाए। अब इसके बाद